मेरा एक आपके धर्म के बारे में परमहंति है कि आपका धर्म हमारा धर्म शब्द का पुजारी है। आप कुरान को, हम गुरु ग्रंथ साहब को शब्द को मानते हैं और आपके ही धर्म में कुछ एक मूर्ति पूजा का भी जो विधान है नहीं है, परंतु कुछ एक आदमी ये मूर्ति नहीं बनाई कि उसकी कब्र के रूप में जो है मजार के रूप में उसको मान्यता दे दी। आप मूर्ति खड़ी पूज लो और पड़ी पूज लो तो एक बात ही है, क्या ये जो है धर्म के उल्ट नहीं, इस बारे आप रोशनी पाई। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा और मैं सवाल को दोहराऊंगा, अगर सवाल को समझने में कुछ गलती होगी तो आप सीधा कर लेना। भाई साहब ने पूछा कि बुद्ध पारसी गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है, आप बुद्ध को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। मजार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। भैया पीछे कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ, यहां तक के अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं, और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है, और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में, आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम इन भाइयों से जो मजार जाते हैं मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ, अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। तो कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना सही है, जो आदमी मर चुका है उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ नहीं कर सकते। यू कैन प्रे फॉर देम नॉट टू देम।